गोवा के एक सर्विस अपार्टमेंट में हुई घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बेंगलुरु में एक एआई कंपनी की सीईओ सूचना सेठ ने अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह गोवा से उसका शव एक सूटकेस में रखकर वापस बेंगलुरु ले आई। इस मामले में पुलिस ने मां सूचना सेठ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद सूचना ने बताया कि उसने अपने बेटे को मारने के बाद खुद को भी मारने का प्रयास किया था। वह आत्महत्या करना चाहती थी लेकिन सफल नहीं हुई। इस बीच सर्विस अपार्टमेंट की इमारत में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गोवा पुलिस ने आरोपी सूचना सेठ को सोमवार रात कर्नाटक से सटे चित्रगुड से गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि उसे मंगलवार को गोवा लाया गया और मापुसा शहर की एक अदालत ने 6 दिन के पुलिस रिमांड में उसे भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लगभग 40 वर्षीय उद्यमी ने कैंडोलिम में सर्विस अपार्टमेंट के एक कमरे में अपने बेटे का गला दबाकर हत्या कर दी थी। दोनों यहां पर 6 जनवरी को पहुंचे थे। अधिकारी ने कहा कि फिर वह अपनी बाई कलाई को किसी धारदार चीज से काटकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। अधिकारी ने बताया कि हत्या का मकसद तत्काल पता नहीं चल पाया, लेकिन सेठ ने पुलिस को बताया कि वह और उसका पति अलग हो चुके हैं और उनकी तलाक की कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा, सर्विस अपार्टमेंट में एक तौलिये पर खून के जो धब्बे पाए गए वे कलाई काटने के बाद निकले हुए खून थे। पुलिस के मुताबिक बेटे की हत्या करने के बाद स्टार्टअप सीईओ ने शव को एक बैग में भर दिया और सोमवार को टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने बताया, हत्या का पता उस समय चला जब अपार्टमेंट के सफाई कर्मचारी उस कमरे की सफाई करने गया था जिसमें वह ठहरी थी और उसे तौलिये पर खून के धब्बे दिखाई दिए थे। सर्विस अपार्टमेंट प्रतिबंध ने कालगुट पुलिस को सूचित किया। गौरतलब है, इस पूरे मामले में महिला के लिंक्डइन पेज के अनुसार वह स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और वह 2021 के लिए एआई थिंक्स में शीर्ष 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में शामिल थी। अधिकारी ने कहा, हत्या का मकसद अभी पता नहीं चला है। हमें आरोपी की 6 दिन की हिरासत मिली है, हम उससे गहन पूछताछ करेंगे। बॉय और उनके जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होटल में दिया था वहां से इनका एड्रेस बैंगलोर पता चला। तो इनिशियल इंट्रोगेशन में इन्होंने ये बोला कि ये बैंगलोर में सेटल्ड है। शी इज ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल एंड शी इज मैरिड टू ए केरलाइट। शी इज वर्किंग एज सीईओ ऑफ एन एआई कंपनी। 2010 से इनकी शादी हुआ था और 22 में द डाइवोर्स प्रोसीडिंग स्टार्टेड और रिसेंटली कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि संडे 10 से 4 बजे फादर के साथ स्पेंड करने का ऑर्डर भी दिया था। अभी हमने अब जब पुलिस कस्टडी मिला था तो हमारा टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने ये एक्यूज लेडी से बातचीत की तो इट सीम्स शी वॉज वेरी अनहैप्पी दैट कि ये कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो उससे वो बहुत नाराज।